वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा दसवीं का प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि से समीकरण को हल करने। ठीक, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों लास्ट तक। ठीक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑन कर लीजिए। पहले मैं प्रतिस्थापन विधि आपको सिखा रहा हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको समीकरण दे देगा दो को, जैसे मेरा समीकरण 3x-5y = 20, इसको मान लीजिए समीकरण एक। उसके बाद x+2y = 3, इसको मान लीजिए समीकरण दो, मान लेना है दोस्तों। ठीक, सबसे पहले चलेंगे दोस्तों समीकरण एक से, लिखेंगे समीकरण एक से। ठीक, सबसे पहले समीकरण एक से चलना है। ठीक, समीकरण एक से क्या है, 3x-5y = 20। ठीक, हमें क्या करना है दोस्तों, x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 3x = 20, प्लस सॉरी माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा 5y। ठीक, उसके बाद दोस्तों जब x बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 20+5y, इसके बटे में आ जाएगा ये 3 दोस्तों। ठीक, क्योंकि इधर गुना में है तो इधर भागा में आ गया। ठीक, अब देखिए, अब यही x का मान दोस्तों समीकरण दो में रखेंगे। ठीक, प्रतिस्थापन विधि है तो क्या करेंगे, x का मान समीकरण दो में रखने पर। ठीक, समीकरण दो क्या है दोस्तों आपका, x+2y = 3 है। x का मान हमको आया दोस्तों 20+5y / 3, x की जगह बैठा देंगे। ठीक, 20+5y / 3, उसके बाद फिर +2y = 3। ठीक, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ ने कुछ तो 1 है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। ठीक, तो 3 से भाग देंगे, 3 एक बार में कटेगा, पूरे उतर जाएगा 20+5y, अब प्लस ये हो जाएगा 3 × 6y, बराबर में क्या बचा, 3। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 20+y वाला को जोड़ दीजिए, 6 × 5 = 11y / 3 = 3। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों, ध्यान से समझिए, ये इससे गुना हो जाएगा। ठीक, यहाँ कुछ तो 1 है, इससे गुना होगा, इससे गुना होगा, ये हो जाएगा 20+11y = 3×9। ठीक, तो y = 11y क्या हो जाएगा दोस्तों, 9, ये उधर जाएगा तो -20 हो जाएगा, क्योंकि प्लस है दोस्तों, हमें तो y का ना मान चाहिए। तो y = 11 और y = क्या आ जाएगा दोस्तों, 9 में से 20 घटेगा तो -11 आएगा। ठीक, अब इसे कटा देंगे दोस्तों। ठीक, देखिए 11 11 एक बार में, माइनस एक बार में कट जाएगा, वाई का मान क्या निकल गया, -1। अब यही वाई का मान दोस्तों हमें जो यहाँ एक्स बराबर निकला है इस पर रख देंगे। चलिए दोस्तों वाई का मान जो है यहाँ एक्स बराबर जो आया इस पर रख देते हैं। तो एक्स बराबर क्या आया दोस्तों, एक्स बराबर आया है आपका 20+5y / 3। ठीक ना, यहाँ जो आया है देख लीजिए, x = 20+5y / 3, तो x = 20+5y, y की जगह क्या आया है, -1/3। ठीक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 ये हो जाएगा -5 × 5/3, 20 में से 5 घटेगा 15/3, यानी कि कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो x का मान आपका निकल गया 5 और y का मान निकल गया -1
एक ही आपका आंसर हो गया। ठीक, प्रतिस्थापन विधि दोस्तों इसी प्रकार बनता है। अब चलिए दोस्तों हम आपको वज्र गुणन विधि सिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों वज्र गुणन विधि को सीखते हैं। वज्र गुणन विधि में भी आपको समीकरण दे देगा उसी प्रकार जैसे दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में दिया था, ठीक ना। लेकिन यह हल होता है अलग प्रकार से। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, बराबर में आपको नहीं रखना है कोई भी अंक, उसको इधर ले आना है। यानी कि दोस्तों लिखेंगे इसको कि 8x+5y, इधर आएगा बराबर कि ई बगल आएगा तो -9 हो जाएगा, इतना बराबर 0 हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण एक। ठीक, इसमें उल्टा होता है दोस्तों, बराबर कि ई बगल लाना होता है। उसके बाद जैसे ये है 3x+2y, बराबर कि ई बगल आएगा तो -4 हो जाएगा, बराबर 0 बचेगा। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसमें जो है आपको a1 b1 c1 निकाल लेना है, a2 b2 c2 निकाल लेना है। समीकरण एक का जो होता है a1 b1 c1 होता है, समीकरण दो का जो होता है a2 b2 c2 होता है। तो देखिए दोस्तों a1 बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों b1 बराबर 5 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों c1 -9 हो जाएगा, माइनस आपको लिखना है। ठीक, उसके बाद दोस्तों a2 बराबर आपका 3 हो जाएगा, यानी कि x वाला a होता है, y वाला b होता है, अचर पद c होता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों b2 आपका हो जाएगा 2। उसके बाद दोस्तों c2 आपका हो जाएगा -4। ठीक, अब देखिए दोस्तों इसका सूत्र होता है वज्र गुणन विधि द्वारा, लिखेंगे वज्र गुणन द्वारा। ठीक, द्वारा इसका सूत्र आप लोग याद रखिएगा, हम सूत्र लिख देते हैं दोस्तों। सूत्र होता है x बटे b1 b1 c2 - b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 - c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 - a2 b1। यही सूत्र होता है दोस्तों, इसी पे सवाल बनता है वज्र गुणन विधि द्वारा। ठीक, अब देखिए दोस्तों x लिख देंगे b1 c2। देखिए b1 5 × c2 - 4। ठीक, उसके बाद फिर माइनस है दोस्तों b2 कितना है, 2 है। ठीक, ध्यान से आपको समझना है, 2 × c1 कितना है दोस्तों, -9 है। ठीक, फिर बराबर देंगे, फिर क्या है y बटे में दोस्तों क्या है c1 a2 c1 - 9 × a2 कितना है, 3 है, घटा c2 a1 c2 कितना है, -4 × a1 a1 कितना है, 8 है। ठीक, फिर बराबर 1 बटे a1 b2 a1 कितना है, 8 है, गुना b2 कितना है, 2 है। इसको ध्यान पूर्वक आपको बैठाना है। ठीक, उसके बाद देखिए -a2 कितना है, 3 है, गुना b1 कितना है, 5 है। ठीक, अब इसको अपने से हल करेंगे दोस्तों ध्यान से। ये हो जाएगा दोस्तों x बटे में 5 × 20, माइनस लगा हुआ है माइनस लगेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 × 2 = 18 बराबर y/9 = 27, माइनस लगा है माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 × 32 बराबर
1/8 × 16 घटा 5 × 15। ठीक, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा x/18 में से 20 घटेगा -2 बराबर y/32 में 27 घटेगा तो 5 बचेगा बराबर 1/16 में से 15 घटेगा 1 बचेगा 1/1। अब x/-2 बराबर 1/1 रखेंगे, ठीक, क्योंकि x का पहला हल करेंगे तो x/-2 बराबर 1/1। ठीक, उसके बाद देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x बराबर -2 का -2, ये x का मान निकल गया। अब फिर उसी प्रकार दोस्तों y/5 बराबर 1/1 रखेंगे, इतना बराबर भी इसको रखना है, फिर इतना बराबर भी इसको रखना है, हमेशा सभी समीकरण में। ठीक, हो जाएगा y/5, यानी कि आपका x का मान निकल गया -2, y/5। यह आंसर जो निकला यह वज्र गुणन विधि द्वारा निकला। तो इसी प्रकार आपको बनाना है दोस्तों। अगर वीडियो पूरा देखे हैं तो एक कमेंट कर दीजिएगा, सर पूरा देखे और समझ में आ गया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए।